नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा कमिश्नरेट डे सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किंग्सवे कैंप ग्राउंड में आयोजित इस भव्य परेड की सलामी ली। क्या कुछ खास रहा इस परेड में, इसी को बतलाती पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा सदैव दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। ये पुलिस की मुस्तैदी का ही परिणाम है कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहती है। इन्हीं सब जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दिल्ली पुलिस ने अपनी स्थापना के 77 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसी उपलक्ष्य में दिल्ली पुलिस द्वारा किंग्सवे कैंप ग्राउंड स्थित न्यू पुलिस लाइन्स में कमिश्नरेट डे सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पुलिस आयुक्त संजय अरोरा की उपस्थिति में परेड का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर दिल्ली के कई पूर्व पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। सबसे पहले मैं कमिश्नरेट डे परेड के अवसर पर दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी जानते हैं कि 1978 में आज ही के दिन दिल्ली पुलिसिंग की कमिश्नरेट प्रणाली शुरू हुई थी। कानून व्यवस्था को प्रभावशाली ढंग से लागू करने में यह काफी मददगार साबित हुई है। इस व्यवस्था से दिल्ली पुलिस को कई अधिकार मिले हैं जो न केवल अपराधों को रोकने में कारगर साबित हुए हैं बल्कि उसके कल्याण में भी मददगार साबित हुए हैं। इसकी सफलता का ही परिणाम है कि आज देश के कई बड़े बड़े शहरों में इसी व्यवस्था को देख रहे हैं। परेड में दिल्ली पुलिस की सभी 6 प्लाटूनों ने हिस्सा लिया। इस परेड के जरिए पुलिस के कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर बखूबी प्रकाश डाला गया। साथ ही ट्रैफिक पुलिस, सशस्त्र पुलिस, सुरक्षा बटालियन, स्वाट, संचार, दिल्ली पुलिस महिला बैंड और CPCR इकाई भी इस परेड में शामिल हुई। इन सभी दस्तों ने शानदार परेड कर कार्यक्रम में एक अलग ही रंग भर दिया। दिल्ली पुलिस लगातार राजधानी को यह विश्वास दिलाने में कामयाब रही है कि हर समय वो उनके साथ हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी अपनी उपस्थिति को बढ़ाया है और लोगों से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया है। मुझे खुशी है कि दिल्ली पुलिस लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के एक साथ साथ जनता के प्रति अपनत्व की भावना को बढ़ाने में भी कामयाब रही है। कार्यक्रम के दौरान हाल ही में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों पर एक लघु फिल्म दिखाई गई। इसके द्वारा तीनों कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। साथ ही इन आपराधिक कानूनों में जांच अधिकारियों की जानकारी और प्रशिक्षण के लिए दिल्ली पुलिस अकादमी द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई 5 पुस्तकों का विमोचन भी मुख्य अतिथि ने किया। देश में नए आपराधिक कानूनों का अनुपालन शुरू हो चुका है। दिल्ली में नए कानूनों का अनुपालन एक अवसर है हम सभी के लिए संविधान और समाज के प्रति अब हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का। दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर उन्मुख ये नए कानून दिल्ली पुलिस के अपने आदर्श वाक्य शांति, सेवा, न्याय को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय और माननीय उपराज्यपाल महोदय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आज से दिल्ली पुलिस ने नए कानूनों को अंगीकार कर लिया है। कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विभिन्न श्रेणियों में दिल्ली पुलिस कर्मियों को पदक प्रदान किए। इसके अलावा सबसे स्वच्छ पुलिस स्टेशनों और सर्वश्रेष्ठ पुलिस कॉलोनियों को स्वच्छता पुरस्कार भी प्रदान किए गए।
जाहिर है इससे पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा, जिससे वो और भी अधिक उत्साह से अपने कर्तव्य को अंजाम देने के लिए प्रेरित होंगे। सेरेमोनियल परेड सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होती, हर परेड के आयोजन के पीछे एक पवित्र आस्था और सौगंध होती है। आज की परेड समर्पित है देश के संविधान और देश की संसद से मिले उस विशेष उत्तरदायित्व के प्रति, जिसका अनुपालन दिल्ली पुलिस के गौरवमयी कंधों पर है। भारतीय पुलिस अधिनियम को अपनाने के बाद 1861 में स्थापित दिल्ली पुलिस 1947 तक पंजाब पुलिस का हिस्सा रही। 1978 में दिल्ली पुलिस अधिनियम पारित होने के बाद 1 जुलाई 1978 से कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई। दिल्ली पुलिस द्वारा साल 2022 में प्लैटिनम जयंती समारोह के दौरान पहली बार कमिश्नरेट डे परेड आयोजित की गई थी। इसके बाद से ये परेड हर वर्ष 1 जुलाई को आयोजित की जाती है। देश के सर्वोत्तम पुलिस बलों में से एक है दिल्ली पुलिस। अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करते हुए दिल्ली पुलिस न केवल अपराधों को नियंत्रित करने में कामयाब हो रही है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। Look at you, another lonely breakfast. Where are your parents? Too busy for you. You're bored. Why not try something new? Just one hit to feel alive. You need an escape. We can give you that. No more loneliness. Just fun. Call. It's so easy. It's just one call. You're stronger than this. अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नेशनल सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल है। गिरोह के सदस्य बांग्लादेश में डायलिसिस केंद्रों पर जाकर किडनी की बीमारी से पीड़ित लोगों से संपर्क साधते थे और उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भारत लेकर आते थे।
बांग्लादेश से ही ये किडनी डोनर ढूंढ कर लाते थे। भारत में आने के बाद ये डोनर का पासपोर्ट जब्त कर उसे किडनी देने के लिए मजबूर करते थे। इसके बाद गिरोह के अन्य सदस्य मिलकर उनके फर्जी दस्तावेज तैयार कर महिला डॉक्टर के जरिए उनका किडनी ट्रांसप्लांट करा देते थे। ये किडनी ट्रांसप्लांट की एवज में पीड़ित से 20 से 22 लाख रुपए वसूलते थे और डोनर को महज 3 लाख रुपए दिया करते थे। इस काम से मिले लाखों रुपए को ये आपस में कमीशन के तौर पर बांट लिया करते थे। 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें मास्टरमाइंड बांग्लादेशी नेशनल्स थे, जो कि जिसमें कि पेशेंट भी बांग्लादेशी होता था और डोनर भी बांग्लादेशी होता था। तो इसमें एक रसेल नाम का जो इनका मास्टरमाइंड था, जो बांग्लादेश से पेशेंट लाता था और डोनर अरेंज करता था, उसको गिरफ्तार किया गया। और साथ ही में इसके साथ जो हॉस्पिटल में डॉक्टर इन्वॉल्व थे और उनका स्टाफ, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 मोबाइल फोन, डॉक्टर्स की फर्जी स्टाम्प, डोनर और मरीज की 6 फर्जी फाइल्स और फर्जी आधार कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। पूर्वी जिला पुलिस ने फिरौती के लिए किए गए 2 मासूम बच्चों के अपहरण की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी प्रतीक को गिरफ्तार किया है। शकरपुर पुलिस थाने में एक दंपति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो अपने बच्चों के साथ फरीदाबाद से दिल्ली घूमने के लिए आए थे। दिल्ली से वापस फरीदाबाद जाने के दौरान विकास मार्ग स्थित एक दुकान से कुछ सामान लेने के लिए गए थे। दुकान से सामान लेने के बाद जब वापस आए तो दोनों बच्चों सहित कार गायब मिली। इस पर उन्होंने जब कार में रखे मोबाइल फोन पर कॉल की तो दूसरी ओर से एक शख्स ने बच्चों को सकुशल छोड़ने की एवज में 50 लाख रुपए की भारी भरकम फिरौती की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम फौरन जांच पड़ताल में जुट गई, ताकि बच्चों को सकुशल छुड़ाते हुए अपहरणकर्ता को दबोचा जा सके। 3 घंटे के निरंतर प्रयास, 300 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद पुलिस ने समयपुर बादली इलाके से पीड़ित व्यक्ति की कार सहित बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो चुका था। इसके बाद आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल तेज की और उसकी भी गिरफ्तारी करने में कामयाब रही। फैमिली हीरा स्वीट्स पे मिठाई लेने के लिए गई थी। दोनों मदर और फादर ने बच्चों को गाड़ी में बिठा के एसी ऑन करके दुकान में गए। मुश्किल से वो 10-15-20 फीट ही गए होंगे। जैसे ही वो 5-10 मिनट बाद मिठाई लेकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी खड़ी की हुई गाड़ी और उनके दोनों बच्चे गायब थे। इमिजिएटली उन्होंने अपने वाइफ के फ़ोन पे कॉल किया, जो कि वहीं पे गाड़ी में डैशबोर्ड पे रखा था, और उनकी बेटी ने फ़ोन उठाया। उनकी बेटी ने उनको बताया कि एक अंकल गाड़ी में आके बैठे और उन्होंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। पहले तो गाड़ी पार्क करने के बहाने उन्होंने गाड़ी मूव की, फिर अब वो गाड़ी कहीं और ही लेकर जा रहे हैं। अपनी बेटी के बताने के बाद उन्होंने उन अंकल से बात की और उस आदमी ने फादर को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने उसके दोनों बच्चों को किडनैप कर लिया है और 50 लाख फिरौती की डिमांड। पुलिस ने दोनों बच्चों को सकुशल उनके परिवार वालों को सौंप दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शाहबाद डेरी इलाके में हुई सन्नी नाम के एक शख्स की हत्या के मामले को सुलझाते हुए आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के एक मित्र की दुश्मनी पीड़ित सनी से चल रही थी। एक रोज आरोपी दीपक और उसका मित्र जब शाहबाद डेरी इलाके में घूम रहे थे तो रास्ते में इनकी मुलाकात पीड़ित सनी से हुई। बातचीत के दौरान इनके बीच कहासुनी हुई, जो इतनी बढ़ गई कि आरोपी दीपक और उसके साथियों ने मिलकर पीड़ित सनी को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच गहन छानबीन में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस को जानकारी हाथ लगी कि पीड़ित सनी की हत्या में शामिल आरोपी दीपक रोहिणी स्थित जापानी पार्क के नजदीक अपने किसी साथी से मिलने के लिए आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और आरोपी को धर दबोचा। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्य मेवाती गैंग का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी कयूम और साकुल को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने वाहन चोरी के 14 मामलों को सुलझाने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी पहले भी कई आपराधिक वारदातों में शामिल रह चुके हैं। आर के पुरम पुलिस थाने में एक शख्स ने मोहम्मदपुर गांव में अपनी बाइक चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने घटना स्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें एक सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों में बाइक सवार 2 युवक वहां आते हुए दिखाई दिए, जो बड़े ही शातिराना तरीके से पीड़ित शख्स की बाइक चुरा कर फरार हो गए। इसी दौरान पुलिस को वारदात में इस्तेमाल की गई आरोपियों की बाइक अफ्रीका एवेन्यू रोड पर खड़ी मिली।
पुलिस ने दो दिन तक लगातार उस बाइक की निगरानी की और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 दुपहिया वाहन, एक कार और अन्य सामान बरामद किया है। इलेक्ट्रिक बाइक्स बेचने के नाम पर लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले शातिर जालसाज सुम्मी कुमार अग्नोत्री पर द्वारका जिला पुलिस ने शिकंजा कसा है। इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने के इच्छुक लोगों से आरोपी ऑनलाइन संपर्क करता था। इसके बाद आरोपी इलेक्ट्रिक बाइक्स की फर्जी तस्वीरें दिखाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता था। जब लोग इसके जाल में फंस जाते थे तो आरोपी उनसे अच्छी खासी रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता था। इसके बाद आरोपी लोगों से संपर्क तोड़ दिया करता था। इसी तरीके से आरोपी ने एक नामी अस्पताल के मैनेजर से करीब 2,64,000 रुपए की ठगी की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित व्यक्ति ने साइबर पुलिस थाने में की थी। मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने रकम ट्रांसफर किए गए बैंक अकाउंट की बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल की और आरोपी की पहचान झारखंड के धनबाद निवासी सुम्मी कुमार के रूप में कर ली। द्वारका साइबर पुलिस स्टेशन में 17/7/2022 में एक केस रजिस्टर होता है चीटिंग का, जिसमें आयुष्मान हॉस्पिटल के मैनेजर, जिनको अपने हॉस्पिटल के लिए इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए थी, उन्होंने गूगल पर सर्च किया और एक कंपनी जो कि उस पर शो कर रही थी उनको कांटेक्ट करते हैं। उसने RB 400 के स्पेसिफिकेशंस और कोटेशन मांग कर इनसे पैसे ट्रांसफ़र करवाए और टोटल 2,68,000 रुपये की चीटिंग करी। फ्रॉडस्टर्स के अकाउंट डिटेल, फ्रॉडस्टर्स की ऐड और इन सब पर एनालिसिस करने के बाद फाइनली हमने जो मेन एक्यूज था उसको अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने धनबाद के झारिया इलाके में दबिश देकर आरोपी को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने दो नवजात बच्चियों की जघन्य हत्या कर दफनाने के एक मामले को सुलझाते हुए आरोपी नीरज सोलंकी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दोनों नवजात बच्चियों का पिता है। सुल्तानपुरी पुलिस थाने में PCR कॉल के जरिए जानकारी मिली थी कि एक शख्स ने अपनी 3 दिन की नवजात बेटियों को मारकर शमशान घाट में दफना दिया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन शमशान घाट पहुंची और दोनों नवजात बच्चों के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच पड़ताल तेज की ताकि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन को ट्रैक करना शुरू कर दिया। इस दौरान सामने आया कि आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने के साथ साथ मोबाइल और सिम कार्ड बदल रहा है। इसके बाद दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई और आरोपी को रोहतक के सांपला इलाके से अपनी गिरफ्त में ले लिया गया। मध्य जिला पुलिस ने मोहित, सौरभ और शिवम नाम के 3 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी मोहित पहले भी 4 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। नबी करीम पुलिस थाने में एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी दुकान का शटर तोड़कर 16 मोबाइल फोन और करीब 2,000 रुपए कैश चोरी किया गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने दुकान के नजदीक लगे CCTV कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। छानबीन के दौरान पुलिस को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली कि आरोपी चोरी किए गए मोबाइल को बेचने के इरादे से पहाड़गंज इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर एक पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 16 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात बदमाश मोहम्मद अफसर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ये मंगोलपुरी थाने का घोषित बदमाश है। इस पर हत्या, हत्या की कोशिश, डकैती, रॉबरी, अपहरण और चोरी के 71 मामले पहले से दर्ज हैं। साल 2011 में शालीमार बाग इलाके में हुई लूटपाट में ये शामिल था। इस केस में इसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया जा चुका था। हाल ही में इसने विजय विहार इलाके में एक व्यक्ति को डराने के लिए उस पर फायरिंग भी की थी। इन दोनों ही मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मोहम्मद अफसर जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां नाकेबंदी की और इसे धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने गन पॉइंट पर एक शख्स से हुई 10 लाख रुपए की लूटपाट के मामले को सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने मोनू, हिमांशु, तरुण सहगल नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
तरुण इस लूटपाट की वारदात का मुख्य आरोपी है, जो साल 2022 में सिविल लाइंस इलाके में हुई 1,25,00,000 रुपए की डकैती के मामले में भी शामिल रहा। साथ ही आरोपी मोनू पर भी दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों में चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट से जुड़े 15 आपराधिक मामले पहले से दर्ज है। बारा हिंदू राव पुलिस थाने में प्रवीण नाम के एक शख्स ने PCR कॉल के जरिए सूचना दी थी कि जब वो लोहारी गेट से 10,00,000 रुपए कैश लेकर उस रकम को पटेल नगर इलाके में डिलीवर करने के लिए जा रहा था, उसी दौरान DCM मॉल के गेट के नजदीक बाइक सवार दो अज्ञात लोगों ने गन पॉइंट पर उससे पैसों से भरा बैग छीना और फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने पर उत्तरी जिला पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 500 से ज्यादा CCTV कैमरे खंगाले और आरोपियों की पहचान कर ली। अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए पुलिस ने पहले आरोपी मोनू को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर अन्य दोनों आरोपियों को पुलिस ने अपने शिकंजे में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई रकम में से 7,72,000 रुपए, एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पैरोल जंप कर फरार चल रहे सजायाफ्ता मुजरिम अशरफ पर शिकंजा कसा है। साल 2010 में इसने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर चांदनी महल इलाके में एक महिला को केरोसिन डालकर जला दिया था, जिसमें पीड़ित महिला की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच पड़ताल कर पुलिस ने अशरफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसे कोर्ट ने कार्रवाई के दौरान उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कोरोना काल में अशरफ जेल से पैरोल मिलने पर बाहर आ गया था। इसके बाद इसने तय समय पर सरेंडर नहीं किया और फरार हो गया। तभी से पुलिस बड़ी सरगर्मी से इसकी तलाश में जुटी थी। इसकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अशरफ साहिबाबाद के एक मीट फैक्ट्री में छिपकर काम कर रहा है, जहां से वो चांदनी महल इलाके में स्थित अपने घर पर परिवार वालों से मिलने के लिए आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने इसके घर पर छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर दोबारा जेल भेज दिया। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने काजू से भरा ट्रक लेकर फरार हुए दो आरोपी मोहम्मद सबीर और फैजान को गिरफ्तार किया है। अशोक विहार इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने 300 पेटियों में रखे 6,000 किलो काजू सप्लाई करने के लिए एक ट्रक बुक किया था। जब आरोपी बताए गए स्थान पर काजू लेकर नहीं पहुंचे, तो संदेह होने पर पीड़ित व्यक्ति ने इसकी शिकायत केशवपुरम थाने में कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। आरोपियों की पहचान करने के लिए पुलिस ने काजू पिकअप पॉइंट से CCTV कैमरा खंगाले, साथ ही अपने गुप्तचरों को भी एक्टिव कर दिया। इसी का नतीजा रहा कि पुलिस के हाथ दोनों आरोपियों की जानकारी लगी। इसके बाद पुलिस ने संभावित स्थान पर दबिश देकर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 48,00,000 रुपए की कीमत के काजू और एक ट्रक भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की IGI एयरपोर्ट शाखा ने फर्जी वीजा मुहैया कराने वाले दो एजेंट जगजीत सिंह और गुरनाम को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से कनाडा जाने की चाह रखने वाले लोगों से संपर्क करते थे। ये उनसे 24,00,000 रुपए लेकर कनाडा भेजने का सौदा तय करते थे। इसके बाद ये उन्हें कनाडा का फर्जी वीजा मुहैया कराकर चंपत हो जाते थे। आरोपियों द्वारा उपलब्ध कराए गए कनाडा के फर्जी वीजा पर वियतनाम से एक व्यक्ति को डिपोर्ट कर IGI एयरपोर्ट भेजा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो फर्जी वीजा मुहैया कराने वाले एजेंट जगजीत और गुरनाम का नाम सामने आया था। पुलिस ने फौरन इनकी तलाश शुरू की और गहन छानबीन करते हुए गुरनाम को पंजाब के गुरदासपुर और जगजीत को UP के पीलीभीत से धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने गौरव नाम के शख्स की सनसनीखेज हत्या के मामले को महज 24 घंटे में सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने चंद्रपाल भाटी, विनय और ओमबीर नाम के 3 आरोपियों को दबोचा है। पीड़ित गौरव ने चंद्रपाल से 2,50,000 रुपए उधार लिए हुए थे, जिन्हें लौटाने में वो आनाकानी कर रहा था। इसी से तंग आकर आरोपी चंद्रपाल ने अपने दो साथी विनय और ओमबीर के साथ मिलकर पीड़ित को ठिकाने लगाने की खतरनाक योजना बनाई थी। उसी के मुताबिक आरोपियों ने शराब पार्टी के बहाने पीड़ित गौरव को बुलाया और वहां गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस स्टेशन और उत्तरी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम कार्रवाई में जुटी थी। इसी का नतीजा रहा कि पीड़ित गौरव की हत्या में शामिल 3 आरोपियों की पहचान कर पुलिस ने इन्हें सीलमपुर और UP के साहिबाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल सहित एक कार भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने अवैध शराब सप्लाई करने वाले 2 अंतर्राज्य शराब तस्कर विक्रम और महिपाल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पकड़े गए आरोपी हरियाणा से अवैध शराब के कार्टन लाते थे, जिन्हें छिपाने के लिए इन्होंने भरतल गांव में एक गोदाम किराए पर ले रखा था।
जहां से आरोपी शराब के कार्टन को पार्सल की शक्ल देकर उन्हें एक ट्रक के जरिए बिहार के हाजीपुर में सप्लाई कर दिया करते थे। बिहार में शराबबंदी होने की वजह से ये मोटे पैसे बनाने में लगे थे। ऐसे ही एक रोज जब आरोपी भरतल गांव स्थित एक गोदाम में शराब के कार्टन को ट्रक में लोड कर रहे थे तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। फौरन पुलिस टीम ने वहां छापा मारा और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 274 कार्टन अवैध शराब और शराब सप्लाई में इस्तेमाल एक ट्रक भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।